नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपको पता है कि नाउन क्या होता है? मैंने आपको नाउन ऑलरेडी पढ़ा दिया है, नाउन के टाइप्स भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि नाउन आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि नाउन क्या होता है। आप कहेंगे कि सर नाउन तो नाम होता है किसी भी चीज़ का। जी हाँ, नाम है किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स, एनिमल और आइडियाज़ का। नाउन तो एक नाम है जो दिया गया है किसी भी पर्सन को, प्लेस को, थिंग्स को और एनिमल को। इससे आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। पर्सन में किसी मैन का नाम हो सकता है, किसी वूमेन का नाम हो सकता है, बॉय, गर्ल, ये सब चीज़ों के नाम आप पर्सन में रखेंगे। प्लेस में आप किसी मॉन्यूमेंट, किसी जगह, किसी पार्क, किसी सिटी का नाम रख सकते हैं। थिंग्स में आप चेयर, बेड, पेन, माइक, इन सब चीज़ों का नाम रख सकते हैं। एनिमल्स आपको पता ही है, और आइडियाज़ में आप फीलिंग्स जो होती हैं, जितनी भी फीलिंग्स हमारी शो करते हैं, जैसे सुख, दुख, रोना, हंसना, ये सब चीज़ें आप किस में कवर करेंगे? ये सब चीज़ें आप फीलिंग्स में कवर करेंगे। तो नाउन क्या है? नाउन एक नाम है किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल और आइडिया का नाम है। अब हम बात करते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, प्रोनाउन होता है कि ये जो पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज़ के जो हम नाम लिखते हैं, इनके जो हम नाम लिखते हैं, उन नाम की जगह पर यूज़ होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। यानी नाउन की जगह पर यूज़ होने वाले वर्ड्स को हम कहते हैं प्रोनाउन। और ये किस प्रकार के वर्ड्स होते हैं? जैसे ही, शी, इट और दे। इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे अगर मैं बात करूं कि राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही हैज़ लेफ्ट फॉर स्कूल। अगर मैं बात करूँ इस सेंटेंस की, तो आप देखिए, राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, कॉमा, फुल स्टॉप, ही हैज़ लेफ्ट फॉर स्कूल। राहुल एक इंटेलिजेंट लड़का है, वह स्कूल के लिए निकल गया है। तो आप मुझे बताइए, पहले सेंटेंस में हमने राहुल का इस्तेमाल किया और दूसरे सेंटेंस में हमने राहुल की जगह पर ही का इस्तेमाल किया। तो राहुल क्या है? राहुल एक नाउन है। राहुल एक नाउन है किस प्रकार की? राहुल एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये प्रॉपर नाम दिया गया है किसी भी व्यक्ति विशेष को। और ही क्या है? ही एक प्रोनाउन है, क्योंकि ये राहुल के जगह पर इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है किसके बारे में? वो है एडजेक्टिव के बारे में। आज का हमारा लेक्चर हम एडजेक्टिव के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? अब मुझे एक बात बताइए, आपके एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, एग्ज़ाम्स में आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, आप अपने घर जाते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलते हैं? गुड, वेरी गुड, ग्रेट, ब्रिलियंट, ये सब बातें आपको बोलते होंगे और कहते होंगे कि और अच्छा करना, ठीक है, कीप इट अप, इस तरह के जो वर्ड्स वो यूज़ करते हैं वो सब क्या हैं? आप मुझे दूसरी बात बताइए, आप कोई मूवी देखने गए और मूवी देखने के बाद आपको कुछ अच्छी फीलिंग्स आती है अंदर से, आप कहते हैं कितनी अच्छी फिल्म है, कितनी बढ़िया फिल्म है, या फिर इसके अदरवाइज आप कोई और भी वर्ड्स ले लीजिए, जैसे ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, ठीक है, फॉर, इस तरह के जो वर्ड्स आप यूज़ करते हैं, किसी की तारीफ़ करते हैं, आप किसी से नाराज़गी जाहिर करते हैं, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, इस तरह के जो वर्ड्स यूज आप करते हैं, गुड, बैड, वर्स्ट, टॉल, यानी किसी की तारीफ़ के लिए जब आप कोई वर्ड यूज़ करते हैं, इस तरह के वर्ड्स ये क्या हैं, ये क्या बताते हैं? ये उस व्यक्ति की विशेषता को बताते हैं।
जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जी हाँ, इन्हीं वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। इन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स। इनको हम और एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। किस प्रकार के एग्जांपल्स? जैसे रोहिणी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ब्यूटीफुल ये किसके बारे में बता रहा है? रोहिणी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यानी जो रोहिणी है उसकी ड्रेस कैसी है? ब्यूटीफुल है, सुंदर है। नाउन की एडजेक्टिव की डेफिनेशन में यही कहते हैं कि नाउन की विशेषता को बताता है या नाउन के बारे में और ज़्यादा बताता है, उसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। ऐसे वर्ड्स हमारे सेंटेंसेस में यूज़ होने वाले, ऐसे वर्ड्स जो नाउन के बारे में और ज़्यादा बताते हैं या नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन की तारीफ़ करते हैं या नाउन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँचाते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव। ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। और एग्जांपल देख लीजिए, इट वॉज़ एन इंटरेस्टिंग मूवी। तो नाउन के बारे में देखिए, इंटरेस्टिंग क्या था? मूवी। मूवी क्या है? मूवी तो एक नाउन है। मूवी एक नाउन है। कैसी नाउन है? कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन मूवी के बारे में और ज़्यादा जानकारी क्या वर्ड दे रहा है? वो है इंटरेस्टिंग, यानी मूवी कैसी है, किस प्रकार की है, ये हमें क्या चीज़ बता रहा है? ये इंटरेस्टिंग वर्ड हमें बता रहा है, इसलिए इंटरेस्टिंग क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। ऐसे वर्ड्स हमारे सेंटेंसेस में इस्तेमाल होने वाले, ऐसे वर्ड्स जो हमें नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में, ठीक है, अभी मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में बताया, नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको मिलेगा नाउन सीधे आपको नहीं मिलेगा, आपको प्रोनाउन मिलेगा, जैसे ही इज़ अ टॉल बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में ही क्या है? एक प्रोनाउन है, ही एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बारे में बता रहा है ये वर्ड, प्रोनाउन के बारे में ये वर्ड बता रहा है कि प्रोनाउन क्या है, या नाउन जो हमारी दी गई है बॉय वो कैसा है? टॉल है, लंबा है। और ऐसे वर्ड्स जो हमें नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में और ज़्यादा जानकारी देते हैं, बताते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं एडजेक्टिव, उन्हीं को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि एडजेक्टिव आपको समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आसान शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है। डेफिनेशन यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से दी गई है कि एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स या फिर आइडियाज़। यानी मोरऑर क्या बोला है इसने? नाउन के बारे में बताता है। ऐसे वर्ड्स हमारे सेंटेंसेज में जो इस प्रकार से यूज़ होते हैं, जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होता है? देखिए इसको हम दो तरह से यूज इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव्स को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसका एक तो होता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, और एक होता है प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। दो तरह से हम अपने एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करते हैं। एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है विशेषता बताना, ठीक है, संज्ञा नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव को हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं वो अभी एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन के पहले इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। जैसे ही इज़ एन ओल्ड मैन। यहाँ पर देखिए मैन क्या है? मैन एक नाउन है। कैसी नाउन है? मैन एक कॉमन नाउन है। और मैन के पहले जो इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? ओल्ड। ओल्ड पुराना भी होता है
और बूढ़ा भी होता है, ठीक है, बूढ़ा भी होता है। तो ओल्ड क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव और मैन क्या हो गया हमारा नाउन। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन के पहले इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। यहाँ पर नाउन के पहले हमारा एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है उसी को हम कहेंगे एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। दूसरा आप देखिए, यहाँ पर दूसरा जो सेंटेंस दिया गया है वो क्या है, द मैन इज़ ओल्ड, द मैन इज़ ओल्ड। नाउन यानी द मैन इज़ ओल्ड, यहाँ पर प्रेडिकेटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स में क्या होता है कि वर्ब के बाद इस्तेमाल होने वाले एडजेक्टिव्स को, वर्ब के बाद इस्तेमाल होने वाले एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिए, एक तो एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स जो इस सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स जो इस सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों ही सेंटेंसेस में एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, पहले सेंटेंस में नाउन के पहले इस्तेमाल हुआ है, ये यहाँ पर नाउन दी गई है उसके पहले एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, और दूसरे में ये यहाँ पर वर्ब दी गई है उसके बाद एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, इसको कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। ये दोनों एग्जांपल से आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अभी देखिए यहाँ पर चलते हैं और कुछ एग्जांपल की मदद से हम अपने फंडे क्लियर करते हैं कि किस प्रकार से हम इस्तेमाल एडजेक्टिव्स को कर सकते हैं। इसमें बोला है कि अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड सर्कल द नाउन्स दे डिस्क्राइब, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड सर्कल द नाउन्स दे डिस्क्राइब। एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है और नाउन्स को सर्किल करना है जिनके बारे में वो बातें बता रहा है। पहला देखिए एग्जांपल हमारा, द वुमेन इज़ हैप्पी टू गेट बैक द पर्स, द वुमेन इज़ हैप्पी, औरत है हैप्पी खुश, टू गेट बैक वापस पाकर द पर्स, पर्स को वापस पाकर वुमेन खुश है। अब आप मुझे बताइए इसमें एडजेक्टिव क्या है। देखिए हैप्पी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि हैप्पी कौन है, वुमेन है, किसके बारे में ये जो हैप्पी है ये जो वर्ड है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वुमेन को, तो वुमेन तो हमारा हो गया नाउन, वुमेन हमारा हो गया नाउन और हैप्पी हमारा हो गया एडजेक्टिव। वुमेन हमारा नाउन हो गया, हैप्पी हमारा एडजेक्टिव हो गया क्योंकि वुमेन नाउन जिसके बारे में बता रहा है क्या वर्ड, हैप्पी, कि खुश कौन है, एक औरत खुश है, क्यों खुश है, टू गेट बैक द पर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव और वुमेन, एडजेक्टिव और नाउन दोनों को हमने अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। पर्स भी यहाँ पर क्या है, एक नाउन है, पर्स भी यहाँ पर एक नाउन है। नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस में देखिए, द मैन इज़ कैरिंग अ हैवी बॉक्स, द मैन इज़ कैरिंग अ हैवी बॉक्स। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ पर नाउन क्या है, मैन, ये तो यहाँ पर हो गया नाउन, इज़ हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कैरिंग हो गया हमारा मेन वर्ब, आ हमारा एडजेक्टिव आर्टिकल हो गया, हैवी बॉक्स, देखिए बॉक्स के बारे में बता रहा है, बॉक्स के बारे में बता रहा है कि बॉक्स कैसा है, हैवी है, तो बॉक्स तो हमारी हो गई नाउन, और बॉक्स कैसा है, हैवी बॉक्स है, तो हैवी क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि नाउन के बारे में जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें वर्ड देता है या नाउन की जो विशेषता हमें बताता है वर्ड उसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो कैसा बॉक्स है, हल्का है, भारी है, ये हमें किस वर्ड से पता लग रहा है, ये हमें इस वर्ड से पता लग रहा है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव हो गया, ओके। नेक्स्ट द मैन इज़ वॉकिंग विद अ ब्राउन डॉग, देखिए ब्राउन डॉग कैसा है, किस प्रकार का डॉग है, ये यहाँ पर पता लग रहा है किससे, ये वाले वर्ड से पता लग रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव हो गया, और ये डॉग हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, और भी और नाउन इसमें दी गई है, जैसे मैन ये भी इसमें नाउन दी गई है,
इज, जैसे मैंने आपको बताया, लिंकिंग वर्ब है। वॉकिंग मेन वर्ब हो गया आपका। विद ये आपका प्रपोजिशन हो गया। ए आर्टिकल हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले लेक्चर में चीज़ें बताई थी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी तरह की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आप आराम से बता सकते हैं कि आठ तरह की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। उन आठ तरह की किसी भी स्पीच में, किसी भी सेंटेंस में आपको आठ प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें नाउन होगा, जिसमें प्रोनाउन होगा, जिसमें एडजेक्टिव होगा, प्रपोजिशन होगा, कंजक्शन होगा, इंटरजेक्शन होगा। ये आठ तरह की चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेगी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आठ प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। किसी भी स्पीच में ये आठ प्रकार की चीज़ें होती हैं। अच्छा, अगले एग्जांपल पे हम चलते हैं। मैनी गेस्ट वर इनवाइटेड ऑन दी ओकेजन्स। देखिए, अब यहाँ पर हमें तलाश करना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है और कौन सा वर्ड यहाँ पर नाउन है। देखिए, गेस्ट, कितने गेस्ट है? मैनी, बहुत ज़्यादा गेस्ट हैं। और गेस्ट क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। और गेस्ट के बारे में जो डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड, गेस्ट की जो विशेषता बता रहा है कि कितने गेस्ट हैं, एक है, दो हैं, बहुत सारे हैं, वो कौन सा वर्ड है? वो वर्ड हो गया ये वाला, मैनी। तो मैनी क्या हो गया? मैनी हो गया एडजेक्टिव, गेस्ट हो गया हमारा नाउन, वर हो गई हमारी वर्ब, इनवाइटेड हमारी हो गई मेन वर्ब, ऑन हो गया प्रपोजिशन, द हो गया हमारा आर्टिकल, और ओकेजन्स, ओकेजन्स हमारा क्या हो गया? ओकेजन्स हमारी हो गई नाउन। तो देखिए, इस प्रकार से आप एक सेंटेंस के अंदर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उन सभी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, पाँच नंबर पे आप चलिए। पाँच नंबर, एग्जांपल नंबर फाइव। फाइव गर्ल्स वर सेलेक्टेड फॉर द प्ले। फाइव गर्ल्स, गर्ल देखिए हमारा क्या हो गया? नाउन। गर्ल के बारे में आपको पता है कि ये गर्ल किस प्रकार का वर्ड है? ये नाउन है। फाइव गर्ल्स, क्योंकि ये फाइव इसको डिस्क्राइब कर रहा है गर्ल्स को, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव्स। और ये किस प्रकार का एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। फाइव गर्ल्स, क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हो गया। और चूंकि मैनी गेस्ट था, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। ये हम आपको जब पार्ट्स पढ़ाएंगे एडजेक्टिव के, कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, उसमें हम आपको बताएंगे। वर सेलेक्टेड फॉर द प्ले, प्ले क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। तो यहाँ पर देखिए, गर्ल्स क्या हो गया? नाउन हो गया। फाइव हो गया एडजेक्टिव्स। उसी प्रकार से एग्जांपल नंबर सिक्स, मिसेस वर्मा इज वेयरिंग अ प्रिटी साड़ी। प्रिटी साड़ी यानी सुंदर साड़ी, बहुत अच्छी साड़ी। ठीक है, किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है? साड़ी के। साड़ी हो गया नाउन और प्रिटी हो गया आपका एडजेक्टिव। उसी प्रकार से नंबर सेवन, तानिया हैज़ वेरी लॉन्ग हेयर। तो हेयर तो हो गया आपका नाउन, और हेयर के बारे में ज़्यादा जानकारी कौन से वर्ड से मिल रही है? लॉन्ग वर्ड से मिल रही है, लंबे बाल हैं, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। उसी प्रकार से एट, द रोज़ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, फ्लावर तो हो गया आपका नाउन, और ब्यूटीफुल हो गया आपका क्या? एडजेक्टिव। तो ये एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर इसीलिए सेट किए थे ताकि आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलें और आपको पता लग जाए कि एडजेक्टिव्स एक्चुअल में होता क्या है और किस प्रकार से उसको हम इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव्स, जैसे मैंने आपको बताया, दो तरह से यूज़ होता है। एक तो एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव, और दूसरा होता है क्या? प्रेडिकेटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं एडजेक्टिव्स, और प्रेडिकेटिव होता है जो वर्ब के बाद इस्तेमाल होते हैं एडजेक्टिव्स। जैसे अगर एग्जांपल लूँ, प्रेडिकेटिव का एक एग्जांपल लेता हूँ, शी इज़ इल। शी इज़ इल,
ये हमारी वर्ब है, उसके बाद इल इस्तेमाल हुआ है एडजेक्टिव। तो ये किस प्रकार का यूज़ ऑफ एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया प्रेडिकेटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। और बाकी एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव उसको तो आपने इन सभी एग्जांपल्स में पढ़ ही लिया है। अब आगे चलते हैं। अब आप देखिए कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होता है, एडजेक्टिव्स कितने प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव्स देखें, यहाँ पर 6 प्रकार के एडजेक्टिव दिए गए हैं। एज सच आप केवल और केवल एडजेक्टिव्स पे फोकस कीजिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। अगर आपको एडजेक्टिव क्लियर हो गया तो आप इसके टाइप्स को भी आराम से पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं, क्योंकि टाइप्स को याद रखने में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से उनका नाम है उसी प्रकार से उनकी पहचान भी आप याद रख सकते हैं। जैसे पहला दिया एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, यानी किसी के अंदर प्रदर्शित होने वाली क्वालिटी, इस प्रकार के वर्ड्स सेंटेंस में यूज़ होने वाले इस प्रकार के वर्ड्स जो आपको नाउन की क्वालिटी को बताएंगे वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में आएंगे। ऐसे वर्ड्स जो क्वांटिटी को प्रदर्शित करेंगे, ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस में नाउन की क्वांटिटी को प्रदर्शित करेंगे उनको हम कहेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स को प्रदर्शित करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था 5 girls, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर आता है। और अगर मैं यूज़ करता हूँ हाउ मैनी या मैनी मोर, इस प्रकार के जो वर्ड्स हम यूज़ करेंगे वो आएगा किस में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, यानी जिनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा, जिनको हम काउंट करेंगे वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आएगा। उसके बाद में आएगा देखिए एडजेक्टिव्स, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, ऐसे वर्ड्स सेंटेंस में यूज़ होने वाले ऐसे वर्ड्स जो किसी भी चीज़ के बारे में इंडिकेट करते हैं, यानी किसी भी नाउन, नाम, पर्सन, प्लेस, थिंग्स के बारे में इंडिकेट करते हैं उनको हम कहेंगे डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये आगे हम एग्जांपल्स की मदद से पढ़ने वाले हैं। पजेसिव एडजेक्टिव्स जो पजेशन ओनरशिप शो करेंगे नाउंस के ऊपर, ऐसे एडजेक्टिव्स को हम कहेंगे पजेसिव एडजेक्टिव्स। और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आपको पता ही है, जिन सेंटेंसेज में क्वेश्चंस पूछा जाएगा उनको हम कहेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब एक एक करके हम इनको देख लेते हैं क्या होता है कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी मतलब टेल्स अबाउट द काइंड्स ऑफ नाउंस। काइंड्स ऑफ नाउन्स, किस प्रकार की क्वालिटी है नाउन के अंदर उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी मतलब टेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स टेल्स अबाउट द नंबर्स ऑफ नाउन्स। एंड डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट द नाउन्स। और ये किस प्रकार के वर्ड्स होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, इस प्रकार के वर्ड्स आपको इन सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगे। इंटरोगेटिव में आस्क क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और पजेसिव में मैंने आपको बताया पजेशन शो किया जाएगा, ओनरशिप शो किया जाएगा। अब चलिए एक एक को एलाबोरेट करके हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या होता है। देखिए अगर मैं बात करूँ एक सिंपल सेंटेंस लेके कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट आदमी है कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो इस सेंटेंस से आपको क्या पता लग रहा है कि वो जो व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कैसा व्यक्ति है, कि ईमानदार व्यक्ति है। तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, उस व्यक्ति की क्वालिटी, उस व्यक्ति की क्वालिटी को हमें बता रहा है ये वर्ड। कौन सा वर्ड, ये वाला वर्ड ऑनेस्ट। ये ऑनेस्ट वर्ड हमें इस व्यक्ति की क्वालिटी को बता रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। यानी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस में यूज़ होने वाले इस प्रकार के वर्ड्स जो हमें नाउन की क्वालिटी को बताते हैं उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जैसे दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग किताब है, किताब की क्वालिटी है कि वो इंटरेस्टिंग है, इसलिए इंटरेस्टिंग क्या हो गया, इंटरेस्टिंग क्या हो गया, किताब का इंटरेस्टिंग होना ही उसकी क्वालिटी है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हो गया। सागर इज़ अ गुड डांसर, अच्छा डांसर है कौन, सागर, तो गुड क्या हो गया यहाँ पर, उसकी क्वालिटी हो गया डांसर की, इसलिए ये क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं, इस प्रकार के जो सेंटेंसेज आप पढ़ेंगे
उसको पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा वो कि वो किस प्रकार का एडजेक्टिव है। जैसे दीज वर्ड्स इंटरेस्टिंग एंड गुड आर एडजेक्टिव्स सिंस दे टेल्स अस अबाउट द बुक एंड द डांसर। पहले सेंटेंस में हमने बुक के बारे में पता लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है, और दूसरे सेंटेंस में हमें डांसर के बारे में पता लग रहा है कि वो अच्छा डांसर है। इसलिए हम इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल्स हम यूज़ करेंगे, हम कहेंगे कि उसमें किस प्रकार के एडजेक्टिव्स का यूज़ हुआ है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का यूज़ हुआ है। ओके, डेफिनेशन दिया है कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज एंड एडजेक्टिव्स दैट टेल्स अस अबाउट द काइंड और नेचर ऑफ ए नाउन। किस प्रकार से पता लगेगा कि उसकी किस प्रकार का उसका नेचर है, और या फिर किस प्रकार के क्वालिटी उस नाउन के अंदर दी गई है। जैसे स्मॉल, बिग, लार्ज, ठीक है, इस प्रकार के वर्ड्स जब आप किसी सेंटेंस के अंदर पढ़ेंगे तो आप उसको कहेंगे कि वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। फाइंड आउट द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। द रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर। रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर। रोज एक सुंदर फूल है। तो इसको तो पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा कि फूल की क्वालिटी किस वर्ड से पता लग रही है, इस वर्ड से पता लग रही है, ब्यूटीफुल से। तो इसलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। और किस प्रकार का एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये फूल की क्वालिटी को बता रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी प्रकार से आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, मुंबई इज़ अ बिग सिटी। मुंबई एक बड़ी सिटी है, ये किससे पता लग रहा है, बिग से। तो बिग एक एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव किस प्रकार का हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अशोका वॉज अ ग्रेट रूलर, तो ग्रेट क्या हो गया, उसकी क्वालिटी हो गई, तो ये भी हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके बाद ऑनेस्ट पीपल आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड, ईमानदार व्यक्तियों की हमेशा रेस्पेक्ट की जाती है, या ईमानदार व्यक्ति हमेशा रेस्पेक्टेड होते हैं। तो ये ऑनेस्ट जो वर्ड है, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। मधु इज़ अ गुड डांसर एंड एन एक्सीलेंट कुक। तो ये जो क्वालिटी है, एक्सीलेंट कुक और गुड डांसर वाली, ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसी प्रकार से रामचरण इज़ अ क्लेवर बॉय। तो ये जो क्लेवर वाली क्वालिटी है, ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आगे देखिए, आगे आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टोटल 5 कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया है एडजेक्टिव्स को। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। देखिए ध्यान से सेंटेंसेस को। द टीचर गेव मी सम होमवर्क फॉर संडे। ये जो वर्ड है सम, क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं, कितना है, एक है, दो है, तीन है? नहीं, मैंने आपको पढ़ाया था काउंटेबल, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को आप इसमें फुल्ली अप्लाई कर सकते हैं। जिसको आप काउंट कर पाएंगे, जिस वर्ड को, जिस नाउन को आप काउंट कर पाएंगे, वो नाउन, वो वर्ड आएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में। और जिसको आप काउंट नहीं कर पाएंगे, वो आएगा आपका किस में, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में। जैसे द टीचर गेव मी सम होमवर्क फॉर संडे। तो सम होमवर्क यहाँ पर दिया है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। उसी प्रकार से आई हैव अनफ, I have enough time to complete the work। तो ये जो वर्ड दिया यहाँ पर enough, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी है, क्योंकि आप इसको काउंट नहीं कर पाएंगे। An adjective of quantity tells us about the quantity of a thing। किसके बारे में बताता है, क्वान्टिटी के बारे में बताता है। जैसे some, enough, more, how much, many, इस प्रकार के जो वर्ड्स आप सेंटेंसेज में देखेंगे, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो करते होंगे। जैसे यहाँ दिया भी है सम, एनफ, हाउ मच, इसी प्रकार के जितने भी वर्ड्स आप देखेंगे सेंटेंसेज के अंदर, वो किस में कवर होंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के अंदर कवर होंगे।
अब बात करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का पता लग गया, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स को भी आप इसी के साथ कंपाइल करके पढ़िए तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट एट द इवेंट। ऑल द स्टूडेंट्स यानी जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सभी को आप यूज़ कर सकते हैं कैसे, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि आप उसको काउंट कर पाएंगे और सेंटेंस पढ़ने से भी आपको पता लग जाएगा। दे विल रिटर्न आफ्टर टू वीक्स। ठीक है, जो नंबर जो दिया गया है इसको आप काउंट कर सकते हैं। ही हैज़ फोर गुड फ्रेंड्स। अगर इस प्रकार का वर्ड सेंटेंस आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो फोर दिया गया है ये क्या है, ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को शो करता है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को डिनोट करता है। एन एडजेक्टिव्स ऑफ डेफिनेशन में एन एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर इज एन एडजेक्टिव द टेल्स इज अबाउट द नंबर ऑफ पर्सन्स को बताता है, जैसे थिंग्स एनिमल्स, जैसे वन टू मैनी, इस प्रकार के नंबर्स को शो करता है सेंटेंसेस में। उस प्रकार से देखें यहाँ पर कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है अबाउट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। जैसे पढ़ लेते हैं, एडजेक्टिव्स लाइक सेकंड, फोर, फोर्थ, फिफ्थ और आल्सो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, बिकॉज अगर हम किसी भी सेंटेंस में इस प्रकार से यूज़ होने वाले फोर्थ, फिफ्थ को अगर हम यूज़ करेंगे तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि हम किस नंबर की बात कर रहे हैं, किस पर्सन की बात कर रहे हैं। दे आर कॉल्ड और क्या ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स एंड शो द ऑर्डर इन विच अ पर्सन और थिंग्स स्टैंड्स, यानी किस नंबर पर वो व्यक्ति, वो नाउन खड़ा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी जहाँ पर भी अगर सेंटेंस में आप देखेंगे सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार के नंबर्स अगर आते हैं तो वो भी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स में आएंगे। ओके, सम एडजेक्टिव्स मे बी बोथ एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो दोनों हो सकते हैं, क्वांटिटी वाले भी और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी भी और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज़, उनके यूज़ पर डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे आई हैव एनफ वर्क फॉर द डे, आई हैव एनफ वर्क फॉर द डे, आई हैव रेड एनफ स्टोरीज ओवर द वीकेंड। सेंटेंस वन में क्या एनफ यूज़ हुआ है, टेल्स अस हाउ मच वर्क, हाउ मच, इसको आप देखिए हाउ मच वर्क अगर यूज़ हुआ है तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हो गया। एंड सेकंड सेंटेंस में आप देखेंगे इसमें क्या है, एनफ टेल्स अस हाउ मैनी स्टोरीज, यहाँ पर हाउ मैनी का इस्तेमाल हुआ है, यानी पहले सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या मालूम पड़ रहा है कि आई हैव एनफ वर्क फॉर द डे, इससे हमें समझ में आ रहा है कि हाउ मच वर्क, और एनफ स्टोरीज से हमें समझ में आ रहा है कि हाउ मैनी स्टोरीज मैंने पढ़ी है। तो हाउ मच कवर होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में और हाउ मैनी कवर होता है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स में। और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सम पीपल वॉन्ट टू मीट यू, सम पीपल, पीपल के पहले हम इस्तेमाल कर रहे हैं सम, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। मीना वॉन्टेड सम मनी, देखिए पीपल के पहले सम लगा दिया तो हम उनको काउंट कर पाएंगे कि दो हैं, चार हैं, छः हैं, दस, जितने भी लोग होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ यूज़ करते हैं मीना वॉन्टेड सम मनी तो आप इसको देखिए, ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि सम मनी को हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो कुछ वर्ड्स इस प्रकार के हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं, बट उनके यूज़ को देखते हुए आपको उनको पहचानना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे ही ड्रैंक ऑल द वाटर इन द जग, देखिए ऑल द वाटर, वाटर को आप काउंट नहीं कर पाएंगे, उसके पहले आप चाहे ऑल लगा लें चाहे मच लगा लें लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बट ऑल द काउज बिलोंग्ड टू द फार्मर, ठीक है, काउज को तो आप काउंट कर सकते हैं, दो, चार, छः, दस, उसके पहले अगर और लगा दिया है तो भी वो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में ही काउंट होगा। ठीक है, वो देखें यहाँ पर, लेट्स
लर्न अबाउट सम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वान्टिटी एंड नंबर्स विच कन्वे द सेम आइडियाज़, जैसे लिटिल, फ्यू. बोथ लिटिल एंड फ्यू कन्वे द सेम आइडियाज़, बट लिटिल इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी, वेयर एज फ्यू इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर. क्यों? क्योंकि जब फ्यू आप लगाएंगे सेंटेंस में, जैसे अ फ्यू पीपल, इसको आप काउंट कर पाएंगे. बट अगर आप लिटिल लगाते हैं, अ लिटिल टाइम, अ लिटिल टाइम, इसको आप काउंट नहीं कर पाएंगे. इसलिए इस प्रकार के जो एडजेक्टिव्स होंगे वो कवर होंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, और इस प्रकार के जो एडजेक्टिव्स होंगे वो कवर होंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में. जैसे अ फ्यू पीपल, अ फ्यू चेयर्स, ठीक है. पीपल एंड चेयर्स आर काउंटेबल्स, क्योंकि आप उनको काउंट कर सकते हैं, इसीलिए वो नंबर्स, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स में काउंट होंगे. उसके बाद जैसे मच और मैनी, मच एंड मैनी, ये दो वर्ड्स और दिए गए हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं कि मच एंड मैनी आल्सो कन्वे द सेम आइडियाज, बट मच इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि हाउ मच वाटर, हाउ मच फूड, इसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे. बट हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी फ्रेंड्स, इनको हम काउंट कर सकते हैं. तो मच वाला जो आइडिया है उसको आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए वो आएगा अनकाउंटेबल है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा. और जो दूसरा वाला है मैनी गर्ल्स, मैनी बुक्स, ये काउंटेबल है, इसलिए इसको आप नंबर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं. मुझे आप बताइए कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया. अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो लेक्चर्स को थोड़ा सा पॉज कीजिए, ब्रेक लीजिए, बैक जाइए, दोबारा से देखिए, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा. कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे मनीष गोज टू हिज आर्ट क्लास 5 days a week. 5 days दे दिया तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया. मैनी स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया. देर इज लिटिल फूड, लिटिल फूड को आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया. हाउ मच सॉल्ट, इसको आप काउंट नहीं कर सकते तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया. प्लीज़ गिव मी सम वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया. एंड देर आर 12 months इन द ईयर, 12 months को तो आप काउंट कर सकते हैं ना, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया. इसलिए द मैन वॉन्टेड सम मनी, मनी सम मनी को आप काउंट कर पाएंगे. सम मनी मतलब आप 1 रुपया 2 रुपया 1,000 2,000 रुपया को काउंट कर सकते हैं, बट इट्स अ बल्क क्वान्टिटी. सम मनी इसको आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये किस में आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा. अब आप मुझे बताइए कि एडजेक्टिव्स आपको समझ में आया कि नहीं आया. हमने इसमें कितने, 2 एडजेक्टिव्स कवर किए हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर. 3 हमने इसमें एडजेक्टिव्स कवर कर लिए हैं. 2 एडजेक्टिव्स हमारे बचे हैं, वो हम अगली क्लास में कवर करने वाले हैं. तो एडजेक्टिव्स तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एडजेक्टिव्स क्या होता है. अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप लेक्चर्स को थोड़ा सा पॉज करके दोबारा से देख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए या रिवाइंड करके देख लीजिए. मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा. अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.